देश के, पूरे प्रदेश में जो लेगेसी कूड़ा है उसको निस्तारण के लिए हमारी योजना बन रही है। लेकिन उन्होंने निर्देश दिए कि ऋषिकेश और हरिद्वार में इस कूड़े को तत्काल अगले कुछ दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके इसके निस्तारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस पर लगभग 35 करोड़ का खर्चा आने की संभावना है, ऋषिकेश हरिद्वार के जो लेगेसी कूड़ा उस पर। साथ साथ मेले के अंतर्गत जो कूड़ा आएगा उसका निस्तारण की समुचित व्यवस्था भी की जाए। कुंभ के सभी स्थायी प्रकृति के काम दिसंबर माह तक पूरे कर लिए जाएंगे। अस्थायी कामों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी धर्मशालाओं, आश्रमों व होटलों को कोविड के दृष्टिगत क्या करें और क्या ना करें की मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने के साथ ही वहां काम करने वालों को यथासंभव प्रशिक्षित किया जाएगा। शहर की स्वच्छता को लेकर कुंभ क्षेत्र की उस पर काफ़ी लंबी चर्चा हुई और उस पर निर्देश दिए गए कि उस पर एक बहुत ही एक ऐसा प्लान तैयार किया जाए जिससे कि शहर के अंदर स्वच्छता और इस रूप में ये हमारे एजेंडे में नजर आए। दो तरह के काम हैं, एक तो वो काम है जो कुंभ की दृष्टि से स्वीकृत हुए थे पुराने काम, वो टाइम फ्रेम जो दिया गया था उसमें 10-15 दिन अगर हम किसी कारण से कोई डिले हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन वो टाइम फ्रेम के अंतर्गत पूरे कर लिए जाएंगे। जैसा पुल हैं, पुलों के काम हैं, कुछ आस्था पथ का काम है, ऋषिकेश के आस्था पथ की रिपेयर का काम है, पेयजल निगम का काम है, वो सारे पूरे करने के लिए जो उन्होंने आज भी बताया कि वो हम टाइमली पूरे कर लेंगे। दूसरे काम वो हैं कि जो स्वच्छता से संबंधित काम है उनके लिए आवश्यक दिशा निर्देश आज दे दिए गए हैं। तीसरे जो टेम्परेरी वर्क्स है उसके संबंध में है कि जैसा हमारे जो सेक्टर है वो सेक्टर लगभग 26 सेक्टर ऐसे बनेंगे जो पूरी तरीके से व्यवस्था से परिपूर्ण होंगे। हरिद्वार में अब तक कूड़ा निस्तारण के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इस पर लगभग 35 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। हरिद्वार में 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। लगभग 493 चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है। एम्बुलेंस की भी आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जा रही है। बाइक एम्बुलेंस और बोट एम्बुलेंस के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे कुंभ मेला क्षेत्र को 23 सेक्टर में विभाजित किया जाएगा।